नमस्कार साथियों, आज एक निजी चैनल ने ई शिखर सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया। उसमें उन्होंने बहुत सारे नेताओं को बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया, जिसमें मैं दो लोगों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। एक है रविशंकर प्रसाद जी और दूसरे हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। ये दोनों ही मंत्री हैं केंद्र सरकार में। रविशंकर प्रसाद जी का क्या कहना था उसके बारे में पहले बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि उनके पास जो मंत्रालय है उसमें उन्हें लगा कि तीन चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी है लोगों के लिए। एक है टेलीफोन सेवाएं, दूसरी है इंटरनेट सेवाएं और तीसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये सब चीजें बेहतर तरीके से काम करते रहे। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हाशिए पे पहुंच गई है और वो सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है, राजनीति करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कहा रविशंकर प्रसाद जी ने। एक अच्छी बात उसके पहले बता दूं, इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हिंदू डॉक्टर हो या मुस्लिम डॉक्टर हो, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। मगर कांग्रेस के ऊपर इन्होंने जो आरोप लगाए वो सुनिए। लोग कोरोना की लड़ाई में अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं, हाँ ये ठीक नहीं है। और खास करके अकलियत समाज के कुछ लोग चाहते हैं कि जो अकलियत की पॉलिटिक्स करने वाले पुराने प्लेयर्स अगर हाशिए पर हैं तो हम नए प्लेयर होकर आ जाएं, ये ठीक नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि देश की राजनीति, राजनीतिक विरोध के लिए बहुत समय लोकतंत्र का काम ही है विरोध करना, सवाल पूछना आपका अधिकार है। मुझे अच्छा लगता अगर सोनिया जी ये सवाल पूछती कि मोदी जी आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, मुझे लगता है कि ये कमियां हैं इसको एड्रेस करिए, मुझे लगता है कि ये काम थोड़ा और देखिए, अच्छा लगता हम तो। ये तो कभी नहीं होता है। बस मैं एक ही बात कहूंगा, मैं बहुत पीड़ा से कह रहा हूं, सोनिया जी, राहुल जी, आप लोकसभा में कहां पहुंच गए 14 में और 19 में, जिस पार्टी ने देश पर 50 साल से अधिक शासन किया है। कभी सोचना चाहिए ना कि देश की धारा से आप कितना कट गए हैं, लेकिन कोई नसीहत लेने की कोशिश नहीं है। अच्छा लगता अगर आज के दिन वो नसीहत देते कि देश एक स्वर में बात कर रहा है तो हम भी उसके साथ चले। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता कि सोनिया गांधी जी फोन करती प्रधानमंत्री जी को और ये कहती कि आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ये मेरे सुझाव है, इस चीज को ऐसे किया जा सकता है या इस चीज को ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे ये कमी रह गई। और दूसरी तरफ उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि वे विपक्ष में हैं तो उनका काम है, ये उनका अधिकार है सवाल करना। मगर साथ में ये जोड़ जो रहे हैं कि उन्हें कैसे सवाल करना है, ये बड़ी हंसी की बात है। कमाल है रविशंकर प्रसाद जी, आप तो एक बहुत बड़े वकील हैं, बातें कैसी कर रहे हैं? और लोग जो हैं, जनता जो है, केवल इसी बात को याद रखेगी क्योंकि ये रिपीट होता रहेगा। और आप लोग भी भूल जाएंगे कि सोनिया गांधी जी जो है वो सुझाव दे रही है। चाहे सोनिया गांधी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, ये बार बार कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं, मगर हम उन्हें सुझाव देते रहेंगे, वेदर वो सुझाव ले या ना ले, पर हम अपना काम करते रहेंगे, उन्हें सुझाव देते रहेंगे, क्योंकि इस समय देश को एक होकर लड़ना है और हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। परंतु जिस प्रकार से रविशंकर प्रसाद जी ने ये बात कही, आप इस बात को भूल जाएंगे, है ना? अब देखिए, मतलब आप ही बताएंगे कि सवाल कैसे करने हैं, हैं? भाई ये तो आपका काम नहीं है, ये विपक्षियों का काम है कि वे सवाल कैसे करें। आप सुनना नहीं चाहते, आप केवल अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं अपने बारे में, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। और इस बात का हमें सम्मान करना चाहिए कि कम से कम विपक्षी ऐसे हालातों में जब उनका इतना अपमान किया जाता है, कम से कम वे सवाल तो उठाते हैं। कम से कम राहुल गांधी जो हैं वो रघुराम राजन जी जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे संवाद करने को तैयार हैं, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
रहे हैं, वो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन, ताकि सारे के सारे पत्रकारों को जवाब दे सके वे क्या सोच रहे हैं, और ये भी बता सके कि वे सरकार के साथ हैं। मगर देखिए कि किस प्रकार की बातें कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद। वे सोचते हैं कि जैसा वे कहे वैसा करे विपक्ष। ये तानाशाही नहीं है महाशय। विपक्ष जो है आपसे सवाल करेगा, क्योंकि ये जनता के सवाल है। आज आपने अगर माइग्रेंट वर्कर्स, जो लोग, जो प्रवासी अपने राज्य से दूर है, उनको लाने के लिए कदम उठाए हैं, वो आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने किया, क्योंकि आपने जब लॉकडाउन किया था तो बिना प्लानिंग के लॉकडाउन डिक्लेयर किया। जब जनता कर्फ्यू हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने लोगों को ये नहीं कहा कि आप सड़कों पे जाके जुलूस मत निकालिएगा। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ये नहीं समझाया कि मैं ये कह रहा हूं कि कोविड वॉरियर्स के लिए आप ये कर रहे हैं, पर इसे पर्व की तरह मत मनाइएगा। मगर ये बात किसने कही थी? जब दिए जलाने वाली बात आई, तब योगी आदित्यनाथ ने जरूर ये बात कही थी कि इसे पर्व की तरह मत बनाइए, मनाइएगा और केवल 9 मिनट के लिए करिएगा। तो ये सारी बातें जो है, ये आपकी भी तो कमी है, परंतु आप इसको नहीं देखेंगे। क्या कमाल है, कह रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं कि देखिए कि संसद में कांग्रेस पार्टी कहां पहुंच गई है। ये कह रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। तो क्या इन्हें अपने काम से काम नहीं रखना चाहिए? इनका काम है सरकार चलाना, इनका काम विपक्ष को यह बताना नहीं है कि विपक्ष अपने को कैसे मजबूत करे। वो कमजोर भी हो रहा है तो आपको क्या चिंता है? आप तो चाहते ही हैं कि किस प्रकार से केवल वो हो जो आप चाहते हैं। तो आपकी ये सलाह जो है बड़ी ही बेकार निकली रविशंकर प्रसाद जी। अब मैं आती हूं प्रकाश। राहुल गांधी कहते हैं कि लॉकडाउन जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है इस पैंडेमिक का। आप लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया, राहुल गांधी ने, जब उन्होंने बातचीत की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसा है, मैं राहुल गांधी जी को बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिनको कर्जा माफ करना क्या होता है और कर्जे का राइट ऑफ क्या होता है, जो खाते में बट्टे खाते में डालना क्या होता है, ये जिसका फर्क मालूम नहीं, या पेंडेमिक का, किसी ने यह नहीं कहा कि पेंडेमिक का सॉल्यूशन लॉकडाउन है। लॉकडाउन उसकी सावधानी है और सावधानी से प्रसार रोकने का काम होता है, जो हमने करके दिखाया और पूरे देश के जनता ने करके दिखाया, और इसलिए जनता बधाई के लिए पात्र है। लेकिन अब कांग्रेस का क्या प्रॉब्लम हुआ है, मैं बताता हूं। कांग्रेस का प्रॉब्लम यह हुआ है कि वो एक एक मुद्दे पर रोज बोलते गए कि गरीबों को क्या मिला। अब 1,75,000 करोड़ का पैकेज दिया, हर एक महिला के खाते में, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500-500 रुपये 3 महीने, 1,500 रुपये जा रहे। 8 करोड़ महिलाओं को 3 गैस फ्री मिल रहे। 8 करोड़ 40 लाख किसानों को 2,000 रुपये खाते में मिल गए। तो जैसे सबको सब मिलने लगा, 1,000 रुपये सीनियर सिटीजन और दिव्यांग और बाकी 3 करोड़ लोगों को मिलने लगा, 31,000 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन वर्कर को मिलना भेज दिया केंद्र ने, तो ये जो काम शुरू हुआ इसके कारण वो भी हो गया। तो अब सब करते, पहले बोलते थे कि रेलवे, जब बस शुरू हुई तो पहले मांग करते थे बस से भेजना चाहिए, आप उनको हवाई जहाज से लाते, इनको बस तो कम से कम दे दो। अब बस दिया तो बोले रेलवे क्यों नहीं, अब रेलवे दी तो आप क्या कहेंगे? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एजेंडा नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सुझावों पर सरकार चल रही है, जो वो मांग करते हो आप देते जा रहे हैं? ये है जो जो सही है वो हम कर रहे हैं, किसी के कहने से नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये रोज हम क्या करेंगे ये समझ के बोलते रहते हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं होता। पर सोनिया गांधी तो ये भी कहती है कि बीजेपी, सर सोनिया गांधी तो यह भी कह रही है कि बीजेपी कम्युनल हेट्रेड फैला रही है। कैसे? ये तो हम प्यार का मीटिंग में कहा, ये बात हेट्रेड कौन फैला रहा है? स्प्रेडिंग द वायरस ऑफ कम्युनल हेट्रेड, मुद्दा ही यहां नहीं आया। पूरा देश एक साथ खड़ा रहा, यही इसमें विशेषता है। कहीं कोई इंसिडेंस नहीं हुआ, कहीं कोई दंगा फसाद या कोई गलत काम नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोगों का नेतृत्व पर विश्वास है, सरकार पर विश्वास है, लोगों को संकट का एहसास है, और संकट में निकलने का यही रास्ता है। अभी
जब वैक्सीन आएगा तो वैक्सीन लेंगे, लेकिन तब तक अब ये न्यू नॉर्मल है और उसकी तैयारी लोगों ने मन में कर। पर क्या कहा उन्होंने? प्रकाश जावड़ेकर जी से सवाल किया गया कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है कोविड 19 से लड़ने के लिए, लेकिन देखिए कि किस प्रकार से प्रकाश जावड़ेकर जी का जवाब क्या आया, जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने शुरुआत करी ये कहते हुए कि किसने कहा, मतलब राहुल गांधी को कह रहे किसने कहा, मतलब नीचा कैसे दिखाया, जैसे घरों में नहीं होता कि अच्छा छोटा बच्चा अपने पिताजी से कुछ कहता है और पिताजी कहते अच्छा तुम बताओगे क्या, मतलब ये वाला एटीट्यूड, अहंकार देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये किसने कहा, और फिर कह रहे राहुल गांधी जी के बारे में ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता, जिनको ये नहीं पता कि वेव ऑफ करना और राइट ऑफ करना क्या होता है। अब देखिए बात को वो कहां से कहां ले गए, वे बात कर रहे थे राहुल गांधी कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, अब इन्होंने पूरी दिशा ही मोड़ दी इस सवाल का। और कैसे, मतलब उन्होंने कहा कि इन्हें तो ये भी नहीं पता, मतलब ये वाला एटीट्यूड जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई सालों तक करा है, और इसी वजह से आज जो माहौल हुआ है वो पोलराइज हो पाया था। लेकिन फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कमाल कमाल की बातें कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि किसने कहा कि पैंडेमिक का सोल्यूशन लॉकडाउन है, मतलब वही बात रिपीट भी कर दी, कह रहे हैं कि किसने कहा कि पैंडेमिक का सोल्यूशन लॉकडाउन होता है, हमने तो नहीं कहा, ये तो सिर्फ इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए किया गया। तो आपने वही बात कह दी जो राहुल गांधी कह रहे थे, तो आप ये कहना क्या चाह रहे थे, आप कह भी वही बात रहे हैं जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, और प्रकाश जावड़ेकर जी आप उस बात को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी जी ने जो कहा वो गलत है। कमाल इनका देखिए, कमाल है ना, और भी बहुत सारी बातें करी इन्होंने। अब देखिए फिर कहते हैं कि कांग्रेस की दिक्कतें बता रहे, कांग्रेस को क्या परेशानी हुई ये कह रहे हैं। अब आप सुनिएगा कि क्या क्या हुआ। फिर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को परेशानी क्या है, आप ये बात को समझिए, वो कह रहे हैं कि गरीबों को पैकेज दो, तो हमने 1,75,000 का पैकेज दिया, इसका मतलब कांग्रेस ने कहा और इन्होंने 1,75,000 का पैकेज दिया, 1,75,000 करोड़ का, 1,75,000 करोड़ का पैकेज दिया। अब ये खुद एडमिट कर रहे हैं इस बात को कि उन्होंने ये कहा और फिर ये किया, तो फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, ऐसे ही तो चलता है ना देश, फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, उन्होंने कहा लोगों को घर पहुंचाने के लिए बसेस का इंतजाम करो, जब हमने बसेस का इंतजाम करा तो उन्होंने कहा ट्रेनों का इंतजाम करें। तो आज जब ये ऑर्डर आ गया है गृह मंत्रालय का कि ट्रेन जो है वो चलेंगी और लोगों को, प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाएंगी, तो प्रकाश जावड़ेकर जी क्या कह रहे हैं कि अब क्या कहेंगे राहुल गांधी, कमाल देख रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा कि गरीबों के लिए पैकेज लाइए और हमने वो पैकेज जब दिया तब इन्होंने ये कहा कि बसेस का इंतजाम करिए लोगों के घरों तक पहुंचाने का, जब हमने बसेस का इंतजाम करा तो उन्होंने कहा ट्रेनों का इंतजाम करिए, अब हमने ट्रेनों का इंतजाम कर दिया, अब क्या कहेंगे। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रकाश जावड़ेकर जी आप ये मानते हैं कि विपक्ष ने आपको याद दिलाया और खास करके राहुल गांधी ने आपको याद दिलाया आपके कर्तव्य, और तभी आपने किया, ऐसे ही देश चलता है। आप भी मान्य हैं हमारे लिए और राहुल गांधी भी मान्य हैं, और अगर आपने कुछ किया है, उन्होंने सुझाव दिया है और आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने पहले किया उसके बाद आपने किया, तो है ना कमाल। अब उसके बाद आप कहेंगे कि उन्होंने कहा हमने किया, और फिर आप उस बात को कहेंगे कि अब क्या चाहते हैं, तो आप तो खुद ही इस बात को मान रहे हैं। और कमाल सुनिए, जब एंकर सुमित अवस्थी ने कहा ना, तो मतलब वो जो कह रहे हैं आप करते जा रहे हैं, तो अहंकार किसको कहते हैं, अहंकार इसे कहते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, जो जवाब आपने दिया वो अहंकार से भरा हुआ था। जी हाँ, आपने क्या कहा, इन्होंने कहा दोस्तों कि हमने जो कुछ किया वो इसलिए नहीं करा क्योंकि किसी ने हमें कहा, हमने वो किया जो हमें सही लगा, मतलब
आप किसी के सजेशंस अगर आपको मिल रहे हैं, सुझाव मिल रहे हैं, तो आप ये मानने तक को तैयार नहीं है कि सुझाव ठीक थे और इसमें कोई राजनीति नहीं थी, और आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देश के लोगों को, देश के नागरिकों को, कि राहुल गांधी जी जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहती हूँ, जी हाँ, माननीय आदरणीय मंत्री जी, और दोनों मंत्रियों को बताना चाहती हूँ, माननीय आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, माननीय आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, विपक्ष का काम होता है सुझाव देना, सकारात्मक सुझाव देना। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि विपक्ष का काम राजनीति करना ही होता है, जैसे आपके दल का काम भी राजनीति करना ही है। आप यदि किसी राजनीतिक दल का हिस्सा है तो राजनीति करना आपका कर्तव्य है, ताकि जो सत्ता पक्ष है उसे उनके कर्तव्य जो हैं उन्हें याद दिलाए जा सके। और ये काम कौन करेगा? विपक्ष करेगा। अपने दिन भूल गए और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कुछ तो शर्म कर लीजिए। हम सब भारतीय हैं माननीय, हम सब आपके साथ हैं, हम बैठे हैं कोने कोने में देश के, अपने अपने जानने वाले लोगों को समझाते हैं कि जो जो सरकार कह रही है सरकार के निर्देशों का पालन करें, जबकि हम आपका विरोध करते हैं मुद्दों पर, तो आप ये किस प्रकार की बातें करते हैं? बुरा लगता है, क्योंकि हम लोकतंत्र का हिस्सा है, हमने बैठाया है आपको कुर्सी पर सत्ता संभालने के लिए, देश को संभालने के लिए, पर इसलिए नहीं बैठे कि वोट दे दिए और अब चुपचाप बैठ जा, आपके जो जी में आए वो कर लीजिए, ऐसा नहीं होने वाला। एक और चीज साथियों आपको बताना चाहती हूँ, आपको पता है राइट ऑफ और वेव ऑफ, ये जो कह रहे हैं ये समझा दूं। वेव ऑफ करने का मतलब होता है, जैसे किसानों को जब कर्जा दिया जाता है और वे वापस नहीं कर पाते तो उसको वेव ऑफ कर दिया जाता है। सुन लीजिएगा ध्यान से, तो वेव ऑफ करने का मतलब है कि अब उनसे ये वापस नहीं लिया जाएगा, ये कर्जा उनका पूरी तरह से माफ हो गया। राइट ऑफ क्या होता है? राइट ऑफ का मतलब होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए, मतलब कागजी कार्रवाई होती है ताकि उनके रिकॉर्ड्स ठीक हो जाए, उसमें वो दे दे कि हमने पूरी कोशिश कर ली इनसे पैसा लेने की, पर हम पैसा निकाल नहीं पाए इनसे, कुछ लोग देश से बाहर भाग गए, कुछ लोग देश में है, तो उनका कर्जा माफ नहीं होता। अगर जैसे जो लोग भाग गए, जब वो वापस आएंगे तो और तरीकों का इस्तेमाल करा जाएगा ताकि उनसे वो पैसा लिया जा सके, ठीक है, चलिए ये भी मान लिया। मगर आप मुझे बताइए कि जो लोग बाहर नहीं गए हैं, जो भागे नहीं हैं देश से, क्या उनसे उनके कर्जों को आप केवल इसलिए राइट ऑफ कर देंगे? आज के जमाने में देखिए, पहले होता होगा कि आपको अपनी बुक्स को ठीक करना है, लेकिन अब अगर आपको पारदर्शिता लानी है अपने सत्ता को संभालने के तरीके में, सुशासन जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें पहले करते थे, अब सुशासन शब्द ही नहीं सुनाई देता, शासन ही कर लीजिए, सुशासन तो छोड़ ही दीजिए, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि वो सारे जो कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत सारे लोन ले रखे हैं उनसे आप पैसा लीजिए, बजाय ये कहने के कि हमने ये राइट ऑफ किया है ताकि हम इसको उसमें डाल दें, उस लिस्ट में, जहां पे हम बाद में इनसे निकाल लेंगे। तो ये भागे हुए लोग नहीं है साथियों, याद रखिएगा, जो लोग भाग गए हैं, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, इनकी बात नहीं कर रही हूं मैं, उनकी बात कर रही हूं जो यहां पे, जैसे रुचि सोया इंडस्ट्रीज के मालिक, और भी बहुत सारे हैं, 50 डिफॉल्टर्स की लिस्ट की बात कर रही हूं। तो इनमें से इनके जो लोन है इनको राइट ऑफ करना क्या जरूरी है? क्या ये जरूरी है क्योंकि हमें दिखाना है अपने अकाउंट्स को साफ रखना है? जानते हैं मैं ये बात क्यों कह रही हूं? क्योंकि अभी तो इन्होंने राइट ऑफ कर दिया, मतलब उस लिस्ट में डाल दिया कि हमने बहुत कोशिश करी, इनसे पैसा नहीं मिल रहा है और शायद पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर कोई रास्ता मिलेगा तो हम इनसे पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। और करता कोई नहीं, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने कई कई करोड़ के पैसे लोन ले रखे हैं, डिफॉल्टर है, उनके खिलाफ मैंने खुद कंप्लेन करी हुई है, जी हाँ मैंने कंप्लेन करी हुई है, और कोई कार्यवाही नहीं होती। वो केस जीत जाते हैं कोर्ट से और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब तो कोर्ट से केस जीत गए तो अब गलत रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क्यों होता है?
क्योंकि ये जो बैंक होते हैं ना, ये कोई कार्यवाही नहीं करते, इसलिए ये हमें तो समझाए ना ये सब बातें। और ये सारे लोग कौन है? बड़े बड़े लोग हैं। ये आप लोग थोड़े हैं, ये मैं थोड़ी हूँ, ये वो मजदूर थोड़ी है, वो जो गरीब आदमी है जिसने फांसी लगा ली अपने पूरे परिवार के साथ, ये वो थोड़ी है, ये वो थोड़ी है जो सड़क पे चल रहा है और भीख मांग रहा है लोगों से कि भाई थोड़ा सा खाना दे दो, जो साइकिल पे बैठ के अपनी बीवी और अपने बच्चों को ले जा रहा है ताकि गांव तक पहुंच जाए, या वो मजदूर जो सड़कों पे चल रहे हैं और गाड़ी ने उन्हें मार दिया और तीनों खत्म हो गए, अपने घर तक भी नहीं पहुंच सके, ये वो नहीं है, ये पैसे वाले लोग हैं। और जानते हैं पहला कदम होता है राइट ऑफ करना, मतलब आपने इनको उस लिस्ट में डाला कि हमने पूरी कोशिश करी कि इनसे पैसा निकाल सके पर नहीं निकाल पाए, पर अगर जब भी मौका मिलेगा हम इनसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद जानते हैं फिर सरकार करती है काम, और एनपीएस की बातें मैंने आपको पिछले 1.5 साल से समझा रही हूँ, एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, मतलब यहां से तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकता। फिर एक सरकार की मीटिंग बैठेगी, आरबीआई की, उसमें मीटिंग बैठेगी और क्या होगा, फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि भाई अब तो ये पैसा आ ही नहीं रहा तो इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दो, उस वाली श्रेणी में डाल दो। फिर आप समझ रहे हैं, वेव ऑफ नहीं, फिर तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया और फिर तो इनके पास से पैसा मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो समझ गए आप, वेव ऑफ का मतलब है जैसे हमारे जो किसान भाई हैं उनके कर्जे माफ कर दिए जाएं क्योंकि वो दे नहीं पाते, कोई मुश्किल है, आपदा है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फसल खराब हो गई मौसम खराब होने की वजह से। मगर राइट ऑफ का मतलब है उस लिस्ट में रखा जाता है, मगर ये पहला ही तो स्टेप होता है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, सरकार चाहेगी, आरबीआई चाहेगी तो उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डालकर उनका जो लोन है वो माफ भी करेगी, और किया भी है, बहुतों का किया है, इसलिए इनकी बातों में मत आ जाया करिए, सोचा करिएगा, अपना दिमाग इस्तेमाल करिएगा और समझिए जब ये कुछ कहते हैं उसका मतलब क्या है। दोबारा मुलाकात होगी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।